अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज। तो अब देखिए राहुल गांधी का आदर्श क्या है, अभी उनका मकसद क्या है? मकसद है भारत को जोड़ो। ऐसे में उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करें जो भारत को तोड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था कि उनको आइकन को अटैक करने की जरूरत नहीं है। अब वीर सावरकर या विनायक सावरकर आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, आज की तारीख वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। तो अगर आपको अटैक करना है, जैसे कल क्या हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा सावरकर के बारे में आपके क्या विचार है। मैं अगर होता तो मैं कहता कि कांग्रेस पार्टी सावरकर की हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की विचारधारा को नहीं मानती, फुल स्टॉप। ये सही बात है भाई, हिंदू मुस्लिम जो उनके कई चीजें हैं जो हो सकता है आप सहमत हो, वो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था या नहीं लड़ा था, शुरुआत में लड़ाई भी की थी। तो एक व्यक्ति जो है ग्रे होता है, बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर को हम जानते हैं, उनके बहुत सारी व्यूज, मतलब 99% ऑफ व्यूज जो है बीजेपी के बिल्कुल एंटी है, लेकिन आप किसी भी बीजेपी के नेता को अम्बेडकर को अटैक करते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि उनका यूज करते हैं। मोदी जब बात करते हैं कि हमको दलितों और इनको भी आगे बढ़ाना है, तो अम्बेडकर को यूज करते हैं, माला पहनाते हैं। आप देखिए पॉलिटिकली क्या करते हैं, जब गौतम जो मंत्री थे वो जब वही काम करते जो अम्बेडकर ने किया था, तो गौतम को अटैक करते हैं, केजरीवाल को अटैक करते हैं, अम्बेडकर को नहीं करते। तो अम्बेडकर की चीजों को अटैक कर रहे हैं वो, कि वो महादेव को नहीं मानते, लेकिन अम्बेडकर को अटैक नहीं कर रहे। तो उससे उनका मकसद पूरा होता है निश्चित। केजरीवाल को उस मंत्री को हटाना पड़ा, हिंदुत्व वाला जो उनका लाइन थी वो फॉलो भी हो गई बीजेपी की, अम्बेडकर बचे रहे, उनपे किसी ने नहीं कहा कि आप अम्बेडकर को अटैक कर रहे। तो वही चीज ये राहुल गांधी कांग्रेस कर सकते हैं कि आप उनकी भाई सावरकर की विचारधारा कि जो हिंदू जो है ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान और ईसाई इस हिंदू राष्ट्र के पार्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द ये विचारधारा जो बीजेपी भी मानती, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अब आपकी लड़ाई उस विचारधारा से है, आप उस विचारधारा से लड़िए, आइकन को अटैक मत कीजिए। मैं बंगाल का उदाहरण देता हूँ, बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ अलाइन किए, कम्युनिस्टों जो, क्योंकि रूस जो है वो कम्युनिस्ट देश था, तो वो उनके लिए वो बिल्कुल विरोधी पक्ष के थे, और निश्चित रूप से नेताजी के इस कदम को कोई भी सही नहीं ठहराएगा जो जर्मनी के साथ। लेकिन बंगाल में चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक आइकन के रूप में माना जाता है, बंगाल की पॉलिटिक्स में नेताजी को डिस्कस ही नहीं करते।